कंगना रनौत हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कंगना ने चुनाव जीता है और सांसद बनी है। लेकिन गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनके साथ बदसलूकी हुई और CISF की एक महिला सुरक्षा कर्मी ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया। कंगना रनौत गुरुवार को NDA की बैठक में शामिल होने नई दिल्ली आ रही थी। कुलविंदर कौर नाम की महिला का कहना है कि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान जो बयान दिया था उससे वो नाराज हैं। इस घटना के बाद CISF ने कुलविंदर कौर को निलंबित भी कर दिया है, साथ ही साथ मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं इस घटना को लेकर अब कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया है। कंगना रनौत को CISF की महिला कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारे जाने पर हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, खासकर एक महिला के साथ जो अभी सांसद बनी है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर CISF कांस्टेबल की कुछ शिकायतें थी, लेकिन किसी पर इस तरह से हमला करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो आइए आपको भी सुनाते हैं कि विक्रमादित्य सिंह ने अपने इस बयान में क्या कुछ कहा है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, एंड पर्टिकुलरली अ लेडी who is a member of parliament now. इस तरीके से किसी को असॉल्ट करना, और वो भी खास करके एक सुरक्षा कर्मी इस तरीके से अगर असॉल्ट करे, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसमें हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसके खिलाफ जो है एक्शन जो है वो सरकार को लेना चाहिए। आपको बताते चलें कि एक्स पर वीडियो जारी करते हुए अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि मैं सभी को बताना चाहूंगी कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। इस घटना के बाद से ही मेरे पास तमाम शुभ चिंतकों के फोन आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज चंडीगढ़ में जो हादसा हुआ वो सुरक्षा जांच के बाद हुआ। जांच के बाद जैसे ही मैं वहां से निकली, वैसे ही दूसरी केबिन से एक महिला सिपाही ने आकर मेरे चेहरे पर हमला किया और गालियां देने लगी। सूत्रों के अनुसार कंगना रनौत चंडीगढ़ से मुंबई के लिए शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब चेकिंग कर रही थी, तो वहां उपस्थित CISF की एक जवान ने उन्हें सामने से आकर अचानक थप्पड़ मार दिया। आपको बता दें चले कि पार्टी किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रही है, ये CISF जवान का सवाल था। इसको लेकर और बहस आगे बढ़ गई। इसके बाद आरोप लग रहे हैं कि CISF की महिला कर्मी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। हालांकि एयरपोर्ट से CEO की ओर से जानकारी जुटाई जा रही है और साथ ही मामले में महिला जवान को निलंबित कर दिया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।